बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द प्रोडक्ट कलर्स। जब प्रोडक्ट हमारे पास अपडेट होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो उसके साथ उसका कलर होगा कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास जो है ये कलर मौजूद है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है उस कलर्स के लिए हम सेटिंग करेंगे। यहाँ से हम कलर का नाम ऐड करेंगे, यहाँ से इसका जो कोड एंटर करेंगे। चलिए मैं आपको जो है एक कोड यहाँ से ऐड कर देता हूँ। चलिए आई एम गोइंग टू ऐड दिस ब्लू। ठीक है, सो यू कॉपी दिस कोड and then I'm going to add this blue, okay, and then I'm going to add this and visible. So now you once you create, you will see here the color name and uska jo hai actual jiska color jo hai wo yahan par show hote hain visible only. So is video mein hum isko step by step implement karte hain. So chaliye start karte hain aur product colors ko step by step implement karte hain, okay. Before starting to add this product with detail, फर्स्ट जो है हमें यहाँ पर ये जो कलर टाइप है, यूनिट है इसका, इन चीज़ों को हम फिनिश करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हमें इनको सेलेक्ट करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कलर, हाउ मेनी क्वांटिटी इन दिस टाइप ऑफ कलर, हाउ मेनी यूनिट्स इन दिस कलर, लार्ज स्मॉल एंड सो ऑन। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस कलर टाइप टेबल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं कलर टाइप्स को। सो नाउ ओपन योर प्रोजेक्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू शेयर यू द ब्लॉग कोड विद योर सॉफ्ट। सो नाउ हियर यू सी द ई-कॉमर्स वेबसाइट पार्ट 22 products colors, okay, or if you not see here the post, so then go to this e-commerce website and then go to the part 22 which is the product color. So here you can find all the source code which I am going to type in this video, but in many video this code is a similar, so for take the for time कंज्यूमिंग के लिए जो है मैं यहाँ से कोड अभी कॉपी करूँगा, क्योंकि जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप कोड किया। सो इसलिए सो जब कोड जो है उसका फ्लो डिफरेंट होगा, तो फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कोड करूँगा, उसको आपको समझाऊँगा कि हाउ टू वर्क दिस कोड एंड हाउ द फ्लो ऑफ दिस कोड। ओके, अगर उसका फ्लो सेम हो और ऑलरेडी मैंने 2-3 बार उसको किया है, तो फिर जो है टाइम को बचाने के लिए और वीडियो को जो है वो कम टाइम में बन जाए, ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं यहाँ से कोड को कॉपी करूँगा। तो इस वीडियो में मैं कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हो, यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर करना क्या है, नाउ गो टू द ब्लॉग। हमें यहाँ पर जो है सिंपली फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट द कलर टाइप ऑफ MV। सो नाउ कॉपी एंड देन गो टू द मॉडल एंड सिंपली गो टू द एड बटन एंड क्लिक ऑन द क्लॉस। And now I'm going to add, then copy this code. And now go to again here and replace. Okay. And add the namespace also. So now wait, right click here and go to the quick action this option. And now wait, add this namespace. Okay. So the changes. Now the next I am going to add the reg color type MV. So now open and then right click and I'm going to add this which is used for create, retrieve and update. Okay, so now add and then I'm going to copy the code from this. So now copy ye code maine bar bar jo hai is flow ko maine use kiya, so that's why I'm going to copy this from this block. Okay, so अगर फिर भी आपको कोई इशू, कोई मसला जो है आपको आ रहा है, तो काइंडली कॉन्टेक्ट ऑन द सपोर्ट टीम, या आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे जो बार है वहाँ पर आपको नजर आ रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। वी विल रिजॉल्व योर इशू एंड कमिंग 24 आवर्स टू 48 आवर्स। ओके, गोइंग टू सेव द चेंजेस। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक न्यू जो है कंट्रोलर को ऐड करना है, दिस कंट्रोलर नेम इज अ सेटिंग कंट्रोलर। ओके, सो अब यहाँ पर हम न्यू कंट्रोलर को ऐड करें। अब बाकी जितनी भी सेटिंग्स ये जो है रिलेटेड मेथड्स है ना,
वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बाकी जो स्टॉक रिलेटेड मीन्स प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट एडिशन एंड सो ऑन, वो स्टॉक में हम करेंगे। तो ये सेटिंग जो है, सेटिंग में ये चीज़ें हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एम्प्टी कंट्रोलर को ऐड करता हूँ, इट्स नेम इज द सेटिंग एंड नाउ एंड। अब सेटिंग के रिलेटेड जितनी भी कोड है वो यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट कलर्स भी जो है, दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइक सेटिंग, ओके। सो नाउ यस, एंड देन अगेन गो टू दिस ब्लॉक एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड। ये ऑलरेडी हमने बार बार इस कोड को डिस्कस किए, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर डिस्कस करने की हमें जो है ज़रूरत नहीं है। सो चलिए ये पेस्ट हो गया। अब वही तरीका है, सेम टू सेम, ठीक है। सो नाउ दिस आंसर दिस, ठीक है, कि ये हमने मेथड ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया, आईडी पास किया। अगर आईडी जीरो नहीं से ग्रेटर है, सो दैट्स फॉर टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड एंड गो टू इन द व्यू एंड शो इन द व्यू। जब इसको ये चेंज करेगा यूजर और अपडेट करेगा तो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही फ्लो है, फर्स्ट एग्जिस्टेंस चेक करेगा, अगर फर्स्ट ये चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर यहाँ पर ये एडिट होगा, अदरवाइज न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होगा एंड एज द कलर टाइप। अब इसमें हमने जो यूनिक चीज़ जो हमने यहाँ पर यूज़ की है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चलिए ये तो सेम टू सेम कोड है, प्रीवियस जिस जो वीडियो में हमने यूज़ किया वही फ्लो है, वही हिसाब है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक एम्प्टी व्यू को और ब्लॉक से जो है मैं कोड कॉपी करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। यस, मैम हमने जो न्यू जो चेंजेस है वो हमारे पास क्या है। सो नाउ कॉपी ऑल द कोड ऑफ द व्यू एंड गो टू हियर एंड पेस्ट, ओके। अब एक बार इस व्यू को क्लोज कीजिए और दोबारा आके यहाँ से दोबारा इसको ओपन कीजिए, ठीक है। आपको कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगा। सो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। बाकी वही तरीका है, ठीक है। लिस्ट है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, कलर टाइप है, कलर कोड है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है क्रिएट है, अपडेट है, ठीक है, और यहाँ पर कलर लिस्ट है, ओके। सो चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ और ये यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ये हमने चेंज किए है, ठीक है। कलर कोड जो है यहाँ पर जब साइन होगा तो यहाँ पर इसका जो है कलर शो होगा, एक्चुअल इसका जो कलर है, ठीक है, यहाँ पर इसका नेम होगा, यहाँ पर एक्चुअली कलर होगा। सो चलिए और इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन एंड नाउ वेट टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। अब यहां पर जो आपको कोड शो रहे ना, ये एक सर्कल है, यहाँ पर सर्कल में इसका कलर शो होगा, ठीक है ना। क्या मतलब, ये एक्चुअली जो कलर है ना, ये टाइटल इसका कोड से जो है वो कौन सा कलर बनता है, तो वो कलर जो है वो लिस्ट में वहाँ पर शो होगा। तो ये यहाँ पर टी डी जो है यहाँ पर शो होगा, मीन्स जो कलर कोड हम एंटर करेंगे ना वो यहाँ पर शो नहीं होगा लिस्ट में, बल्कि यहाँ पर जो एक सर्कल होगा और सर्कल का वही कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर का कोड है, सो चलिए वेट करते हैं, एप्लीकेशन रन हो गया। अब लॉगिन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर स्टॉक में। अब स्टॉक में यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो हमें ऐसा करना है कि स्क्रॉल और लेआउट पे हमें जाना है, और लेआउट में हमें यहाँ पर नीचे ये जो हमारे पास स्टॉक का सेक्शन है, ठीक है, इस पे हम आते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो इसका जो कंट्रोलर है वो है सेटिंग, और यहाँ पर ब्रांड की जगह पर जो है ये कलर टाइप है जो एक्शन नेम है, so that is the color type, और नीचे यहाँ पर ये प्रोडक्ट कलर हो जाएगा, प्रोडक्ट्स कलर, ओके, प्रोडक्ट कलर्स, ठीक है। एंड नाउ सी द चेंजेस एंड गो टू दिस एंड जस्ट फ्रेश, सो नाउ यू विल गेट हेयर द प्रोडक्ट कलर्स, ओके। सो नाउ क्लिक हेयर एंड नाउ यू विल सी हेयर हमारे पास जो है एम्प्टी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है HTML कलर्स कोड में, ठीक है, HTML कलर्स कोड में, ठीक है। अब यहाँ से मैं HTML कलर कोड पे चला गया और अब यहाँ पर से हमें कपड़े शूज़ जो भी है उसकी कलर कोड हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से कोई कलर उठाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ से जो कलर्स का नाम है ये वाले, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं
कलर उठाता हूँ, ये है इंडियन रेड। चलिए इंडियन रेड को यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करते हैं, दैट इज द इंडियन रेड। चलिए इसमें मैं थोड़ा स्पेस भी लगा देता हूँ फॉर बेटर। चलिए ओके, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है ओके यहाँ पर, अब इसका कोड जो हमारे पास है वो ये है। चलो आई एम गोइंग टू कॉपी एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट है, और इसको विजिबल करता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं अब ये कलर यहाँ पर शो होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये कोड आ जाएगा, ये देखिए। अब अगर इस कोड को आप चेंज करेंगे, चलिए मैं सी की जगह पर डी कर देता हूँ और फिर इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये चलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चेंजेस कर देता हूँ। अब ये डी जो है इसे सी कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा इसको चेंज कर देंगे और फाइव की जगह पर भी सी कर देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ, तो ये कलर चेंज हो गया, देखिए। तो ये हमारे पास जो है ऐसे जो है हमारे पास ही चेंजेस होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है कि ये वाला है, ठीक है। अब चलिए इसको अपडेट कर दें, सो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें दो तीन कलर्स और भी ऐड कर देते हैं, सो चलिए लाइट सलमून एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड हेयर दिस स्पेस, इसमें ऐड कीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये इसका कोड हो गया। तो इसमें जितनी भी आप कलर ऐड करते हैं ना, नॉर्मली ब्लू येलो ये चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड होती हैं, तो चलिए हम येलो कोड येलो कलर्स वगैरह भी यहाँ पर ऐड करते हैं। अभी देखिए हमारे पास है येलो नहीं है ये, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बाय नेम के साथ जो है यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड करने है ताकि हम यूज़र को जो है ये समझ आ सके भाई येलो है ना। चलिए मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है फर्स्ट, और यहाँ पर येलो राइट कर देता हूँ, नहीं हो जाएगा हमारे पास येलो सॉरी येलो, और यहाँ पर ये कलर कोड मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्रिएट करूँ ओके सेलेक्ट द विजिबल, जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं भी येलो हो गया, ठीक है। वैसे हम दो तीन चार और ऐड कर देते हैं, ये चलिए मैं ग्रीन को ऐड करता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों के लिए जो क्लाइंट के लिए आपको जो कोड करना है ना वो आपको इस ऐसे करना है, ये नहीं लिखना है कि यहाँ पर उसको कोड नजर आते हैं या उसको वो यहाँ पर देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाएगी, हमने यहाँ पर क्या चीज़ ऐड की, इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है ना। रेड में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइट कलर में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, ग्रे में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इससे क्लाइंट को आसानी होगा कि यहाँ पर जो कलर शो होते हैं ये जो नाम नेम है ना इसका, इसका एक्चुअली ये कलर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होगा, ज़्यादा बेटर रीडेबिलिटी भी होगा और यूआई भी जो है आपका अच्छा होगा भी। देखिए यहाँ पर यूआई काफ़ी अच्छा जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रोडक्ट कलर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया और स्टेप बाय स्टेप एडिट भी हमने फिनिश किया। सो एंड नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू ऐड द साइज टाइप, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज होती है एक प्रोडक्ट की, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम इसको भी ऐड करेंगे। वी विल ट्राई टू ऐड द यूनिट आल्सो, यूनिट टेबल आर एंड साइज सेटिंग, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो काइंडली सब्सक्राइब द कोड इंडिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।